जोधपुर वाली, तो आपको बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो अगर आप दीव को घूमना चाहते हो और दीव का प्लान सुनना चाहते हो, वो भी बिल्कुल सस्ता प्लान। तो इसके लिए आपको एक नाइट तो यहाँ स्टे करनी पड़ेगी, मतलब वन नाइट टू डेज का प्लान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दीव की लोकेशन की बात करें तो ये गुजरात के बिल्कुल कोस्ट पे पड़ता है। गुजरात से ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आना है विरावल जंक्शन और यहाँ से बस पकड़ के आप 3 घंटे में दीव पहुँच जाएंगे। वैसे तो दीव में एयरपोर्ट भी है, आप चाहें तो फ्लाइट पकड़ के दीव आ सकते हैं या फिर आप चाहें तो बस से पहुँच सकते हैं, पर मैं सबसे सस्ता तरीका आपको बता रही हूँ जो कि ट्रेन है। अभी मैं हूँ विरावल जंक्शन में और यहाँ से मैं जा रही हूँ दीव, जो कि यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर पड़ता है। तो हमें यहाँ से जाने के लिए शायद बस वगैरह मिल जाएगी, उसके लिए हम बाहर चलते हैं और पता करते हैं। दीव को हम मिनी गोवा कह सकते हैं, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कह सकते हैं कि नहीं, बट शायद कह सकते हैं। अगर आप दीव जाना चाहते हैं तो उसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मतलब बहुत सारी ट्रेन रुकती हैं, तो वो वेरावल है। तो आप पहले वेरावल जंक्शन पहुँचिए, फिर यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर पड़ता है दीव, उसके लिए आपको बस पकड़नी पड़ेगी। और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है, तो उसके लिए आप पैदल जा सकते हैं, आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले भैया आपको 20 रुपये में छोड़ देंगे, पर अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आप नई सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप वेरावल आने के लिए बेस्ट टाइम ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सुबह सुबह हल्की सी ठंड थी पर मैं पैदल चल रही हूँ तो मुझे टी शर्ट में ठीक लग रहा है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 17-18 डिग्री होगा। तो आप इसी टाइम मतलब कि आप जनवरी फरवरी और बस फरवरी तक ही आइए, अभी तो जनवरी चल रही है बट आप फरवरी तक ही आइए, उसके बाद तो यहाँ बहुत गर्मी होगी। दीव जाने के लिए बस वेरावल जंक्शन से तो मिल जाती है पर डायरेक्ट बसेस की बहुत कमी है। तो मैं पहले ऊना पहुंचती हूं, उसके बाद ऊना से दूसरी बस पकड़ के मैं दीव पहुंच। ये 90 किलोमीटर का सफर तय करने में मुझे लगभग 4 घंटे लग गए, पर इन 4 घंटों में ये अच्छा हुआ कि मैंने बस में बैठकर अपने लिए होटल बुक कर लिया। अगर आपको यहां रुकना है तो होटल बुक करके ही आइए, क्योंकि यहां ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये मेरा दीव में रूम जो कि मुझे ठीक ठाक लगा, ये मुझे 1800 का पड़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सी फेसिंग है क्योंकि इसलिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ा है। ये देखिए, और ये इधर बालकनी है, खुल जाए। यहाँ मैं शाम को बैठ के डिनर करूँगी या फिर कॉफ़ी या टी एंजॉय करूँगी। ये हमें यहाँ क्या क्या मिला है, ये खाली कैटल मिली है जिसमें हम पानी गर्म करेंगे क्योंकि पानी ठंडा है, और ये है टी, ये है मिल्क, और ये है कॉफी, ये है इनका वॉशरूम, वॉशरूम की हालत ठीक कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से शैम्पू हैं और ये छोटा सा शॉप, कई होटल में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, ये देखो। और ये यहाँ पे हमारे लिए है छोटू सा फ्रिज। सो गाइस, क्योंकि मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रही थी तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आराम से चलेंगे दीव को एक्सप्लोर करने। मैं देखती हूँ मुझे यहाँ पे कहीं स्कूटी वगैरह मिल जाएगी ना, तब मजा आएगा दीव को एक्सप्लोर करने में। तो अभी हम स्कूटी हायर करेंगे, बस थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम चलेंगे स्कूटी लेने, उसके बाद हम चलेंगे दीव को एक्सप्लोर करने। तब तक आप व्यू देखिए गाइस, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब बीच हो, बीच के सामने आपका होटल हो, मजा आ रहा है। और हमारे होटल में ही हमारे लिए खाना आ जाता है जो कि है गुजराती थाली। गुजराती थाली जिसमें भिंडी है, मग है, मग की सब्जी मतलब मूंग दाल की सब्जी है, ये दाल है, राइस है एंड आलू की सब्जी है, एक पापड़ है, रोटियां हैं, अचार और सलाद। तो हम खाना वाना ख़त्म करके अभी चलेंगे घूमने, पर पहले खाना ज़रूरी है। होटल से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो कि लगभग 700-800 में आपको पूरा दीव घुमा जा रहे हैं गंगेश्वर टेम्पल, और उसके बाद फिर हम जाएंगे लागोवा बीच को, मतलब गंगेश्वर टेम्पल पहले जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ऑटो जो है ना वो शेयरिंग में नहीं चलते हैं, तो आपको बुक करके ही जाना पड़ेगा या फिर आप स्कूटी ले लो, बट इतनी धूप है ना कि स्कूटी लेने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं ऑटो में बैठ के जा रही हूँ। यहाँ पे स्कूटी का प्राइस भी 400 या 500 ही है पूरे दिन का, तो आपको जो आसान लगे आप अपने हिसाब से उससे ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे आज ऑटो से जाना ठीक लगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुका है। तभी मैं पहुँच गई हूँ गंगेश्वर महादेव टेम्पल, ये देखिए आप मेरे पीछे टेम्पल दिख रहा है, और यहाँ मैं आई हूँ 100 रुपये का ऑटो करके, पर यहाँ से ना वापस जाने का कोई जुगाड़ नहीं है,
तो देखते हैं, पहले हम दर्शन करेंगे उसके बाद हम चलेंगे वापस, देखते हैं वापस कैसे चलेंगे। फिलहाल अभी दर्शन करने चलते हैं और मैं यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस मैं आ गई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि ये मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसमें 5 शिवलिंग हैं जो कि 5 पांडवों द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगर आप इन शिवलिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको पांचों शिवलिंग का आकार अलग अलग दिखेगा, क्योंकि पांडवों ने अपने शरीर के हिसाब से इन शिवलिंग की स्थापना करी थी। वैसे तो ये समुद्र का जल शिव जी के पास अपने आप आ जाता है, पर अभी वो टाइम नहीं है शायद, इसलिए पानी आ नहीं रहा है ऊपर, तो मैं एक बॉटल में भर के शिव जी को चढ़ाने की कोशिश करती हूँ। गाइज अभी मैं हूँ गंगेश्वर महादेव टेम्पल में, इसकी लोकेशन है दीव। और मैंने एक बारी ना यहाँ की रील देखी थी, शॉर्ट्स में ऐसे आई थी, समुद्र का पानी भगवान जी को जल चढ़ा रहा था, तो मतलब वहाँ मैंने देखा, मेरा इतना ज़्यादा यहाँ आने का मन किया, बट मुझे लगा था मैं यहाँ कभी आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसकी लोकेशन इतना उल्टी पड़ती ना, दीव में है और दीव में, और मेरा घर जो है वो लखनऊ में है, मैं रहती जोधपुर में हूँ, तो ये कभी हमारी डायरेक्शन में नहीं आता है, बट वो होता है ना, अगर आप कुछ दिल से चाहो तो वो हो जाता है। मतलब अभी मैं सोमनाथ आई थी तो फिर ये हुआ कि मेरे पास एक दिन का टाइम था, तो मैंने सोचा दीव चला जाए, और मतलब बस ऐसे ही टाइम हो गया और मैं आ गई सीधे यहाँ पे, और मैंने शिव जी के दर्शन कर लिए। तो अगर आप लोग भी मतलब कुछ भी चाहते हैं ना, तो बस दिल से चाहिए, वो ज़रूर पूरा होगा। आज मैं यहाँ आई ना, मुझे लग रहा है बस मुझे सब कुछ मिल गया। अभी मैं दर्शन करके वापस आ गई हूँ और मेरा ऑटो वाला चला गया, क्योंकि मैंने एक साइड का बुक किया था, और अब मैं ऐसे घूम रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कोई मुझे लिफ्ट दे दे। गाइस कोई ना कोई तो दे ही देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल आए होंगे या कोई बड़ी गाड़ी लेकर आया होगा, तो मैं देखती हूँ अगर कोई लिफ्ट दे देगा तो अच्छी बात, क्योंकि मुझे नागोवा बीच जाना है और यहाँ से मतलब जाने वाले मैक्सिमम लोग नागोवा बीच की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जो घूमने निकलता है ऑटो वाले भी उसको वहीं तक लेके जाते हैं। बट ऑटो वाले ना 300 ले रहा था और 100 रुपये में उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैंने उससे बोला आप जाओ मैं मैनेज कर लूँगी, पर देखते हैं मैनेज कर पाते हैं या नहीं। इसमें मैं पैदल पैदल चल रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने काला चश्मा पहन लिया है तो अब हम आगे की बात काले चश्मे में करेंगे। इतनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सब ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, क्या मैं पैदल चल के कोई अपराध कर रही हूँ? पैदल चलना कोई गुनाह है? पैसे बचाना कोई गुनाह है? जिसे हम चीकू कहते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ मेन रोड पे और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से बस मिलेगी, तो मैं बस से जाऊंगी नागोवा बीच। तो सामने आ रही है मेरी बस और मैं इससे मात्र 10 रुपए का टिकट लेकर पहुंच जाती हूँ नागोवा। वेलकम टू नागोवा, डोंट गो गोवा, कम नागोवा। जो दीव का सेकंड प्लेस है जहाँ पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप दीव आ रहे हैं, तो वो है नागोवा बीच। यहाँ पे पहले बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज होती थी, बट अभी क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है तो उन्होंने सारे काउंटर बंद करवा दिए हैं। केवल एक काउंटर है, वहाँ से आप सारे टिकट्स ले सकते हैं और आप यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप गोवा नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, वैसे भी इसे मिनी गोवा कहते हैं। आंटी ये क्या है? क्या पिस्ता? कैसे खाते हैं ये? अच्छा, अगर आप बीच पे आ रहे हैं, आपके पास कपड़े नहीं है तो यहाँ बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं, आप आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बाइक खड़ी हैं और पूछते हैं बाइक का प्राइस क्या है। भैया क्या प्राइस है इसका? यहाँ पे मैंने गाड़ी का पता किया, उसमें पर पर्सन अगर आप अकेले हैं तो आपको 300 पे करना पड़ेगा, बट अगर आप दो लोग हैं तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटी का पता करने। खत्म हो जाता है यहाँ पे। ये फूड कोर्ट है सी के जस्ट साइड में, ये देखिए सी दिख रहा होगा शायद आपको सी, और ये फूड कोर्ट। अब मुझे चाय की तलब लग रही है तो मैं चाय पीने जा रही हूँ, पर चाय अच्छी। यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट, आप यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं, वेज। भैया ये भुट्टा कितने का है? दे दीजिए आंटी। भून के देते हैं बॉयल करके? अच्छा दे दीजिए।
सब डाल दीजिए। बीच और भुट्टा। ओके मैं ये बताने वाली हूँ कि दीयू को सस्ते में कैसे घूमे, जिसके लिए मैं पिछले एक घंटे से वेट कर रही हूँ। अभी तो सनसेट भी हो गया है और हमारी बस का कोई पता ठिकाना नहीं है, पर अगर मैं 10 रुपए देकर आई थी तो मैं जाऊंगी भी 10 रुपए देकर ही। फाइनली 2 घंटे इंतजार करने के बाद मेरी बस आती हुई मुझे दिख रही है। अब मेरी खुशी सोच नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। बस दिखाती हूँ मैं आपको, ये आ रही है। वापस आ चुकी हूँ और मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। डिनर में है गुजराती थाली, ये मैंने दोपहर में भी खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कई जगह मतलब देखा फूड वूड का मेन्यू, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा गुजराए तो गुजराती थाली ही खाते हैं। तो अभी मैं डिनर ख़त्म करती हूँ, फिर हम अभी वॉक करने चलेंगे, देखते हैं यहाँ और आसपास क्या है। गाइस अनियन कम था वो मंगाया, शायद वो आ गए होंगे, अनियन लेकर आती हूँ मैं। तो ये अनियन आ गया, रात में निकले थे यहाँ घूमने के लिए, बट मुझे ना मार्केट दिख गया है। मैंने सोचा पहले यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। गाइज गुड मॉर्निंग, आज अभी मैं मेरा सेकेंड डे और आज हम जा रहे हैं सनराइज देखने। कल हम दो जगह गए थे, गंगेश्वर महादेव टेम्पल और नागोवा बीच, तो हमारी दोनों डेस्टिनेशन बहुत अच्छी थी। और आज हम 2-3 जगह और कवर करेंगे, बट हम शुरुआत सनराइज से करेंगे। वो हो रहा है 7:30 और अभी टाइम हुआ है 7:25, तो बस हम पहुँचने वाले हैं बीच पे, सनराइज देखेंगे। मैं सनराइज देख कर वापस आ गई हूँ और अब हम चल रहे हैं फोर्ट, दीव फोर्ट की ओर। दीव फोर्ट जाने का रास्ता सामने से है। वाह इतना सुंदर लगता है यहाँ से, ये देखिए आप, ये बीच है और ये किला है। क्या यार क्या जिंदगी है दीव में रहने वालों की। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये है जेट्टी, ये नीचे फोर्ट है और ये है जेल प्लाजा। तो अभी हम चलेंगे जेट्टी की ओर। ये देखिए गाइस कितना सुंदर है ये, ये जो आपको फोर्ट के सामने दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पानी कोठा। इसको ना जब पुर्तगाली यहाँ पे थे उन्होंने इसको जेल की तरह मतलब बनाया था और जेल की तरह यूज करते थे। अगर हम बात करें इस किले की तो इसका निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था, यहाँ के स्थानीय लोग इसे अभी भी पुर्तगाली किला कहते हैं। और भाई ये वही जगह है जहाँ ऑपरेशन विजय को अंजाम देकर भारत सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया था और गोवा दमन दीव तीनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। यहाँ पे किले के अंदर एक छोटा सा लाइट हाउस है, कैसे दिखाऊं, ये देखिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लाइट हाउस भी है और ये है इस किले का कोर्ट, अगर कोई भी सुनवाई होती थी तो यहीं पर होती थी। तो अभी मुझे एक सुरंग दिखाई पड़ रही है, मैंने इस बोर्ड में पढ़ा था कि यहाँ बहुत सारी सुरंग थी इधर उधर बाहर निकलने की, बट अभी इसको लॉक कर दिया गया है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ INS खुखरी मेमोरियल, देखो आप मेरे पीछे, इसके अंदर लेके चलती हूँ आपको। गाइस यहाँ आने के लिए आपको 100 रुपए का एंट्री टिकट देना पड़ेगा। अभी मैं हूँ INS खुखरी शिप पे। एक्चुअली जब 1971 वाला वॉर हुआ था तब INS खुखरी डूब गया था और इसमें बहुत ज़्यादा लोग 192 लोग शहीद हो गए थे और 68 लोग बचे थे। ये घटना दीव के कोस्ट पर लगभग 40 किलोमीटर दूर हुई थी, इसलिए इस मेमोरियल को दीव में बनाया गया है। तो अभी मैं पहुंच गई हूं यहां के सबसे बड़े बीच यानी कि घोगला बीच, और ये इंडिया के कुछ सबसे साफ बीचेस में से एक है, इसे ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। तो अगर आप दीव आए तो डेफिनेटली आप यहां पे जरूर आइएगा। तो इसी के साथ हमने अपनी 5 डेस्टिनेशन पे विजिट कर लिया है और हम वापस होटल चलते हैं और वहां से निकलते हैं। रेडी हो चुकी हूं सोमनाथ टेम्पल जाने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए। तो अभी टाइम हो चुका है दीव को बाय बाय करने का। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अब सोमनाथ के ब्लॉग में। और अभी के लिए बाय बाय, इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं।